सत श्री अकाल जी, मैं सुरदीप हाजर हाँ जी बाल कहानी सुनहरी मच्छी लैके। एक बार एक टापू ते छोटी जी डिग्गी टट्ठी चौंपड़ी विच एक बुढ़ा आदमी ते औरत रहिंदे सन। बुढ़ा आदमी समुंदर विच अपना जाल सुटदा ते मच्छियां फड़न की कोशिश करदा। जो कुछ उसनू मिलदा उस नाल उसका गुजारा मसा ही हुंदा। एक दिन बुढ़े आदमी ने अपना जाल सुटिया ते इसनू खिंचन लग्या तो उसनू यह भारा लग्या। उसने मुश्किल नाल जाल नू बाहर खिंचया। इस विच एक छोटी मच्छी तो बिना होर कुछ नहीं सी, पर यह मच्छी साधारण नहीं सी, यह सुनहरी मच्छी सी। मच्छी मनुखी आवाज़ विच आखन लगी, बुढ़े आदमी मैनू लैके ना जा, मैनू डूंगे नीले समुंदर विच चली जान दे, मैं तेरे लिए लाभकारी होवांगी, तू जो कहेंगा मैं उही करांगी। बुढ़ा आदमी सोचन लग पिया ते फिर बोलिया, मैं तेथों कुछ नहीं लैना, जा जाके समुंदर विच तैर। उसने सुनहरी मच्छी नू समुंदर विच छड़ दिता ते घर आ गया। बुढ़ी ने उसनू पुछया कि की लिया है, उसने कहा कुछ भी नहीं, एक सुनहरी मच्छी जाल विच फसी सी, वह मैं वापस समुंदर विच सुट दित्ती, क्योंकि वह मनुखी आवाज़ विच बोली कि मैनू डूंगे नीले समुंदर विच जान दे, तू जो आखेंगा मैं उही करांगी। मैनू उस ते तरस आ गया ते मैं उस तो कुछ ना मंगया ते उनू छड़ दिता। यह सुन के बुढ़ी उच्ची उच्ची बोलन लगी, किन्ना चंगा मौका मिलिया सी तेनू अपनी किस्मत बदलन दा, तेनू तां पूरा अकल नहीं, तू ये मौका भी हत्थों खुंझा दिता। बुढ़ी औरत रात तक बुढ़े आदमी नू बुरा भला कहती रही। उस तो कुछ होर नहीं मंगना सी तो घट्टो घट रोटी मंग लैंदा, अपने कोल खाण नू सुक्की रोटी का टुक भी नहीं। निराश होकर बुढ़ा आदमी सुनहरी मच्छी तो रोटी मंगन चला गया। उसने समुंदर कंडे पहुँच के सुनहरी मच्छी नू आवाज़ लाई तो मच्छी तैरती हुई कंडे ते आ गई। उसने बुढ़े आदमी नू पुछया, दस तेनू की चाहिदा। बुढ़ा आदमी कहन लग्या, मेरी घरवाली मेरे नाल गुस्से आ ते उन्हें मैनू रोटी लैन लई भेजे। मच्छी बोली, तू आराम नाल घर जा, तेनू रजवी रोटी मिलेगी। बुढ़े आदमी ने घर पहुँच के घरवाली नू पुछया कि रोटी मिल गई है, तो वह बोली, रोटी तो रजवी मिल गई, पर मेरा कपड़े धोन वाला टब चोन लग पिया, हुण इस विच कपड़े नहीं धोते जांदे, तू सुनहरी मच्छी कोल जा ते नवा टब मंग। बुढ़ा आदमी वापस समुंदर ते गया ते मच्छी नू कहन लग्या कि मेरी घरवाली ने मैनू भेजा, उसनू नवा टब चाहिदा। मच्छी ने कहा, तू घर जा, टब तेनू मिल जाएगा। बुढ़ा आदमी घर मुड़ गया। हाले वह घर की दहलीज ही टप्पिया सी कि बुढ़ी ने फिर तोकसाया कि सुनहरी मच्छी कोल फिर तो जा, उसनू अपने लिए नवा घर बनाउण लई आख, आपां इस झौंपड़ी विच होर नहीं रह सकदे, ये डिग्गू डिग्गू करी जांदी है। बुढ़े आदमी ने समुंदर कंडे जाके फिर मच्छी नू आवाज़ मारी। मच्छी तैरती हुई आ गई ते बुढ़े आदमी वल देखती हुई बोली, दस भले पुरश तेनू की चाहिदा। बुढ़े आदमी ने कहा, मेरी घरवाली हुण पुरानी झौंपड़ी विच रहना नहीं चाहती, क्योंकि वह डिग्गू डिग्गू करती है, उसनू नवा घर चाहिदा। इस सुन के मच्छी बोली, खुश हो ते वापस घर जा, सब ठीक हो जाएगा। बुढ़े आदमी ने वापस आके देखा तो झौंपड़ी की थां बिल्कुल नवा बैलूत की लक्कड़ का घर सी, जिसकी छत के वादरे ते नकाशी की हुई सी। बुढ़े आदमी नू देखदे सार बुढ़ी चीकन लगी, मूर्खा तेनू तो किस्मत तो लाहा भी नहीं लैना आता, तू घर मंग लिया तो समझदा यही सब कुछ है, मच्छी कोल वापस जा ते उन्हू कह मैं मछेरे की पत्नी नहीं रहना चाहती, मैं शिष्ट औरत बनना चाहती हाँ, ता जो लोग मेरी हर गल मनन ते मैनू मिलन वेले सिर चुकाउण। बुढ़ा आदमी समुंदर कंडे गया ते मच्छी नू सारी गल दस दित्ती। मच्छी ने फिर उसनू खुशी खुशी घर जाण लई कह दिता। बुढ़ा आदमी घर पहुँचया तो उसके घर की थां पत्थर का वड्डा घर देख के हैरान रह गया। उसके घर के वेहड़े विच नौकर भज्जे फिरदे सन, रसोईए रसोई विच खाना बना रहे सन, ते बुढ़ी औरत जरीदार पोशाक पहनी उच्ची कुर्सी ते बैठी हुक्म चला रही सी। बुढ़े आदमी ने उसनू बुलाया तो वह फिर चीकी, किन्ना गुस्ताख है, मैनू अपनी पत्नी वजो संबोधन करन दी तेरी हिम्मत किवें हुई। शिष्ट औरत बनी बुढ़ी औरत दे नौकरां नू हुक्म दिता कि इस मूर्ख बुढ़े नू तबेले विच ले जा के 40 कोड़े मारो। नौकर दौड़दे होए आए ते बुढ़े नू धौण तो फड़ के धूंदे होए तबेले विच लै गए। उत्थे उसकी इन्नी मार कुटाई हुई उस तो खड़ा भी नहीं सी जा रहा। फिर बुढ़ी ने उसनू पशुआं दे वाड़े की सफाई करन दा काम संभाल दिता। वह सारा दिन उत्थे सफाई करदा रहिंदा ते जे किते भोरा मिट्टी रह जांदी तां तबेले विच ले जा के उसकी मार कुटाई हुंदी। किड्डी डैण है, मैं दी किस्मत पलट दित्ती ते अपना पति मनण तो भी इनकार करी जांदी है, बुढ़ा आदमी गुस्से विच सोच रहा सी। समा बीतन ते बुढ़ी शिष्ट औरत दे रुतबे तो भी अक गई
उसने बुड्ढे नूं बुला के हुक्म दिता कि सुनहरी मच्छी कोल जा ते आख कि हुण मैं महाराणी बनना चाहुंदी हाँ। बुड्ढा आदमी समुंदर कंडे ते गया ते मच्छी नूं कहण लग्या, मेरी घरवाली हुण शिष्ट औरत बन के नहीं रहना चाहुंदी, वह महाराणी बनना चाहुंदी है। मच्छी ने फिर उसनों खुशी खुशी घर जाने लिए कह दिता। बुढ़ा आदमी वापस घर आया तो पहले घर की थां सोने की छत वाला वड्डा महल सी। बंदूकों वाले पहरेदार महल के बूहे ते खड़े सन। महल के पिछले पासे शानदार बाग सी। सामने वड्डे मैदान विच फौज परेड कर रही सी। महाराणी बनी बुढ़ी अपने जरनैलों ते गवर्नरां नाल बालकोनी ते आई अते अपनी फौज का निरीक्षण करन लगी ते सलामी लैन लगी। ढोल वजन लगे, संगीत गूंजन लग्या ते फौजा ने उच्ची आवाजा विच वाह 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 आख्या। होर समा बीतन ते बुढ़ी महाराणी बन के भी अक गई। उसने बुढ़े आदमी नू लभन दा हुक्म दिता। बड़ी मुश्किल नाल बुढ़े आदमी नू पशुआं दे वाड़े विचों लभ के महाराणी दे सामने पेश कीता गया। महाराणी बनी बुढ़ी ने बुढ़े नू आख्या कि सुनहरी मच्छी नू जाके आख मैं महाराणी बन के नहीं रहना चाहुंदी, मैं समुंदरां दी मालकण बनना चाहुंदी हाँ, तां जो समुंदरां दे सारे जीव समेत सारियां मच्छियां मेरा हुक्म मन्नन। बुढ़े आदमी ने बुढ़ी दी इस मंग दा विरोध करन दी कोशिश कीती पर वो ना मन्नी ते कहन लगी जे ना गया तां उसदा सिर कलम करवा देवेगी। बुढ़ा आदमी अणमन्ने मन नाल समुंदर कंडे ते गया ते मच्छी नूं आवाज़ मारी, पर इस वार सुनहरी मच्छी ना आई। बुढ़े आदमी ने फिर आवाज़ मारी पर सुनहरी मच्छी ना आई। जदों उसने तीजी आवाज़ मारी तो अचानक समुंदर विच्चों पानी उबलन जी आवाज़ आई। पहला जड़े पानी साफ ते नीले सन वह हुण काले हो गए सन। मच्छी कंडे ते आके पुछन लगी, हुण तैनू की चाहिए बुढ़े आदमी? बुढ़ी तो पूरी तरह पागल हो गई है, वह हुण महाराणी बन के भी खुश नहीं, वह सारे समुंदरां दी मालकण बन के पाणियां समेत सारे समुंदरी जीवां ते अपना हुक्म चलाउणा चाहुंदी है। सुनहरी मच्छी ने बुढ़े आदमी नूं कुछ ना कहा ते समुंदर दियां डूंघाइयां विच अलोप हो गई। बुढ़ा आदमी वापस घर आ गया। जदों वह महल वल रस्ते नूं मुड़िया तां उसनूं अपनी अखां ते यकीन ना आया। महल दी थां ते हुण पहलां वाग डिग्गी ढट्ठी झौंपड़ी सी ते झौंपड़ी विच बुढ़ी फटे पुराने कपड़े पाई बैठी सी। वह पहलां वाग ही रहण लगे। बुढ़ा आदमी फिर मच्छियां फड़न जाण लग पिया पर हुण वह कदे भी सुनहरी मच्छी उसदे जाल विच ना आई। सो जी ये लोक कहानी तुहानू किवें दी लगी कमेंट करके जरूर दस्यो। चंगी लगी तो शेयर जरूर करियो। जेकर मेरे चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया होया तो चैनल नू सबसक्राइब कर दियो ते घंटी का बटन भी जरूर दबा दियो। धन्यवाद जी।